नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं छपरा नगर निगम वार्ड नंबर 34 से पार्षद कार्यवाहक शिवबली प्रसाद। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान पार्षद गीता देवी हैं। तो चलिए लाइव सेशन में आज बातचीत करते हैं पार्षद कार्यवाहक शिवबली प्रसाद से। शिवबली जी नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यकाल कैसा चल रहा है आपका शिवबली जी? जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है। कितने वर्षों का कार्यकाल हुआ होगा आपका वार्ड में? जी 15 साल। जी 3 टर्म से हैं आप यहाँ पर बतौर पार्षद। जी मैम, क्या कुछ इस कार्यकाल के दौरान क्या कुछ समस्याएं सामने आई थी शिवबली जी, जिस पर कार्य हुआ वार्ड में? जी मैम, सबसे बड़ी समस्या तो मैम 19 में आपको कोरोना आ गया। 2 साल तो हम लोग कोरोना में ही फंसे रहे। उसके बाद जो भी कार्य था आपको मुख्यमंत्री शहरी गली नली योजना के अंतर्गत, उसके तहत हमारे वार्ड में 99% कार्य हुआ है। आवास का काम मैम, मेरे वार्ड में 160 सेंक्शन था। जी, उसमें कुछ बाधाएं आई। जी, हाँ तो कितने लोगों को आवास मिला मैम? शिवबली जी, जी 10-12% लोगों को ही आवास का लाभ मिल पाया अभी मैम। जी जी, और पैसा फंड वगैरह मिल गया पैसा लोगों को या जी, बाकी जी, है? नहीं मैम, कुछ मिला है और कुछ जो है आपको प्रोसेस में है। फर्स्ट सेकंड किस्त या थर्ड किस्त वगैरह ही बाकी है। जी जी, और शिवबली जी नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके वार्ड के दम में? मैम हमारे वार्ड के साथ साथ पूरे शहर की स्थिति नल जल योजना के खराब है मैम। सभी जगह कोड़ कर उसको पाइप के डालने के अंतर्गत को उसको पाइप डाल दिया गया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। लीकेज इतना है मैम कि बंद लीकेज से लोगों के घर में पानी घुस जा रहा है। बहुत सी दिक्कत हो रही है मैम नल जल की। शिवबली जी, ये समस्या खास तौर पर हमने जितने भी इधर वार्ड में बात किया हर जगह ये सामने आ रही है, क्या वजह क्या रही इस तरीके की समस्या की? इस तरीके से कार्य क्यों लापरवाही पूर्वक हो रहा है मैम? इसमें जो हमारे जेई हैं वो सुन नहीं पाते हैं इसको। हम लोगों ने बहुत मरतबा अपने विभाग में कंप्लेन भी किया, जेई साहब को बार बार कहने के बावजूद भी अनदेखी कर दी जाती है। लीकेज की वजह से मैम इतनी परेशानियां होती है कि लोग अपने घर में से निकल नहीं पाते हैं। ऐसा बहुत सा जगह है जिसके घर में मैम पानी घुस गया मेरे वार्ड में, उसको अपने सुपर से निकलवाना पड़ा हमको। जी, ऐसे जल निकासी की व्यवस्था क्या है आपके वार्ड में? मैम यहाँ पे हमारे वार्ड में एक आपको साड़ा ढाला है जो रेलवे लाइन क्रॉस करके मैम उस तरफ चला जाता है रूरल एरिया में, पंचायत में। वहाँ से आपको प्रभुनाथ नगर होकर पहले चंचौड़ा में चला जाता था, और एक साइड हो गया मैम गरखा ढाला से भी पानी निकल कर आपको चला जाता था रामनगर का चेवर में मैम। तो वो सभी जो चेवर था मैम, जो पैन था उस पैन को लोगों ने भर कर उस पर रोड बना लिया, और जो पानी है अपने वार्ड का जो पानी हमारे मैम है दो ही तरह से निकलता है, वो उसी में सूखता है। जितना मतलब सोखना पार लगता है उतना सोखता है, बाकी उसी में घूम घाम के रह जाता है मैम। शहर की जो निकासी है नहीं है। जी मैम, जी जी जी, इससे लोगों को तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है मैम। बारिश अभी थोड़ी सी बारिश हुई सभी जगह पानी मैम लग गया। जी जी, अच्छा वार्ड में वैसे साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, वो समुचित ढंग से हो जाती है या नहीं? मैम वार्ड में 2 कुदाल वाले हैं, 1 झाड़ूकस है, 4 मिला है मैम। वो भी उन लोग का भी पेमेंट जो है मैम, वो लोग टेम्पोररी बेसिस पे है लोग, तो उन लोग का भी पेमेंट समय से नहीं मिल पाता है। तो लोग महीना में 10-15 दिन आते हैं, बाकी दिन मैम ऐसा ही रहता है। और एनजीओ मैम आपको 2-3 महीना से डिस्टर्ब था, एनजीओ काम कार्य नहीं कर रहा था। तो अभी आपको अगले माह के 1 तारीख से उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें मात्र उनके द्वारा डोर टू डोर भी आधा अधूरा किया जाता है, पूरा नहीं कर पाते हैं। जी, तो एक तरफ जल जमाव है, एक तरफ गंदगी भी पूर्ण रह रही है, तो फिर वार्ड में तो परेशानी लोगों को बहुत ज्यादा होती होगी। अनाज वगैरह का वितरण सही तरीके से हो जाता है वार्ड में ना, कोई समस्या उसमें भी सामने आ रही है मैम? समय से जन वितरण प्रणाली के द्वारा आपको वितरण नहीं किया जाता है जी। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या हो जाती है मैम कि ये एक सलम एरिया है, जो हमारा वार्ड है उसे छपरा जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, तो एक अच्छी खासी आबादी है,
और जी सलम होने के थोड़ा सा बहुत से सलम में तो बहुत से अशिक्षित लोग भी हैं, जी जी तो बिल्कुल जी तो जी उनको वो लोग ठीक है जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा बरगला दिया जाता है, समय से नहीं दिया जाता है और पैसा भी ज़्यादा लिया जाता है। 5 kg सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है प्रति यूनिट, लेकिन मैम उन लोगों को 4 kg ही दिया जाता है, ये बहुत जी बड़ी तो समस्या। शिवली जी डीलर से बात हुई आपकी, आपने बात करने का प्रयास किया, आपकी बात वगैरह जी 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 मैम, तो बहुत से डीलर हैं जो मेरी बातों को सुना उन्होंने और वो 5 kg देते हैं, लेकिन एक ऐसा डीलर है मैम कि वो 4 kg से उस बोलता है आप कुछ भी कर लीजिए, मैं 4 kg से ज़्यादा नहीं दूंगा, इसलिए कि मुझे माल कम मिलता है और उनके द्वारा पेमेंट भी मैम ज़्यादा लिया जाता है। और मैंने कई मरतबा कंप्लेन भी किया, उनसे मौखिक बात भी की, वो बोलते हैं ठीक है कर देंगे, लेकिन मैम ऐसा नहीं कर पाते हैं वो, इससे हम लोगों की समस्या लोगों को होती है। बिल्कुल, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्लम एरिया है और अनाज में दिक्कत इस तरह से हो रही है। राशन कार्ड से नाम सबका जुड़ गया है शिवली जी? जी मैम, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैंने आवेदन किया था जो छूट गए थे जनगणना में, चूंकि जो राशन कार्ड बना मैम वो जनगणना के 2011 के जनगणना के आधार पर ही बना, उसमें बहुत से ऐसे सक्षम लोग थे जिनका बना, जो कुछ ऐसे लोग थे कुछ परसेंट जो छूट गए, उनका हम लोगों ने आवेदन भी किया लेकिन नहीं बन पाया, कुछ लोग हैं। और पेंशन योजना की क्या स्थिति है शिवली जी? उसमें पेंशन लोगों को लाभ हो रहा है इस वक्त? जी जी वो अच्छी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैम। शिवली जी आगे चुनाव को लेकर क्या योजना है आपकी? जी मैम, आगे जो मेरा कुछ अधूरा काम रह गया, जैसे कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैम असहाय हैं, जिनके पास अपना मकान रहने का नहीं है, जी। जो 44 नंबर ढाला के पास रहते हैं, बहुत पहले गवर्नमेंट का एक स्कीम आया था असहायों को आवास देंगे बनाकर, तो मैम उस योजना के तहत हमने सभी का आवास का आपको सर्वे करा दिया है। अब जब उन लोगों को आवास मिल जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा तो उन लोगों को बहुत बड़ा एक सहारा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, तो शिवली जी क्या लगता है लोगों का सहयोग आगे मिलेगा, भरोसा लग रहा है इस बात का? बिल्कुल मैम, मिला मिला है 15 सालों से मिला है, मुझे उम्मीद है कि इस साल भी लोग हम पे विश्वास जमाएंगे। जी तो बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आप बता रहे हैं 15 वर्षों से आप हैं कार्यरत, एक बार और आपको मौका मिले, जी, लोगों जी, का विश्वास मिले और जो भी आपकी योजनाएं हैं आगे वार्ड के विकास के लिए वो सारी पूरी हो। जी मैम, एक सर मैम और एक बड़ी समस्या है, ये पूरा शहर का ही समस्या है मैम, मेरे वार्ड में आवास से लोग वंचित इसलिए रह गए मैम कि इसमें जो है लोग नगर निगम को पे करते हैं, अपना टैक्स जो है पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उन लोगों को नहीं समझ में आता है कि हम ब्लॉक से भी हमको दाखिल खारिज कराना चाहिए, तो उस योजना से मैम वो लोग वंचित रह जा रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत मरतब प्रयास भी किया, लिख कर भी दिया कि भाई हम जब नगर निगम को हम पे करते हैं हमारे नाम से रसीद कटता है, तो एक वो भी मैम नगर निगम में भी हम लोगों का दाखिल खारिज होता है शहर में रहने वाले लोगों को, तो इस पे मेरा अपना विचार है कि मैम गवर्नमेंट को इस नगर निगम के रसीद पे ही लागू कर देना चाहिए, तो गरीबों को अपना आवास मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल, जिनको रिक्वायरमेंट है, जरूरत है लोगों को, लेकिन कागज के अभाव में नहीं मिल रहा है। हम भी अपने चैनल की तरफ से सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि ये जो समस्या सामने आ रही है इस पर ध्यान दें ताकि जरूरतमंदों को आवास आवंटित हो सके। जी जी, हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 नमस्ते। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 34 से पार्षद कार्यवाहक शिवली प्रसाद, जिन्होंने बताया कि लगभग 15 वर्षों का कार्यकाल उनका रहा वार्ड में, अपने तरीके से विकास के तमाम प्रयास किए, हर योजना को धरातल पर उतारा, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तौर पर ब्लॉक स्तर से हम लोगों को उतना सहयोग नहीं मिल पाता जिससे कि विकास कार्य कहीं ना कहीं अवरुद्ध रह जाता है। उन्होंने कहा कि नल जल की योजना पूरी तरीके से फेल है, साथ ही नली गली के निर्माण में भी परेशानी आई है, और उन्होंने ये भी बात कहा कि नल जल योजना की वजह से लोगों को जल जमाव की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों के घर में पानी चला जाता है लीकेज होने की वजह से, और निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को आवास की आवश्यकता है लेकिन सरकार के नए नियम के वजह से बहुत से लोगों को आवास आवंटित नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए वो चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे कि लोगों को आवास ज़्यादा से ज़्यादा आवंटित हो सके। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।